एमपी साहब किसी को कॉल कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर मदद करता तो हम लोग बच जाते, सरकार मदद करता तो हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे। यहाँ नदी गाँव पर यहाँ स्कूल भी है, मस्जिद भी है, यहाँ रोड भी कटिंग होने वाला है। अगर रोड कट जाएगा तो हम लोग कैसे निकलेंगे। ढपटोला गांव को कटाव से बचाने के लिए प्रशासनिक मदद नहीं मिली, तब ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से ही कटाव रोधी कार्य शुरू करवा दिया है। जी हाँ, मामला किशनगंज के टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के झुनकी मुसारा पंचायत के ढपटोला गांव का है। रेतवा नदी वर्षों से यहाँ भीषण कटाव करती है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग प्रशासन की तरफ से मदद का इंतजार करते रह गए, मगर मदद नहीं मिलने की स्थिति में लोग खुद ही आगे आए और श्रमदान कर बम्बू पायलिंग का काम शुरू करवा दिया। यहाँ तो 8-10 साल से घर कटा रहा है। हम लोग तो बहुत प्रयास से, अगला बार काम थोड़ा हुआ था, ये जियो बैग हुआ था 3 साल पहले, वो सब भी चला गया। और हम लोग भी बरसात में भी थोड़ा काम किया था, उसे थोड़ा बचाव हुआ। 8-10 घर कट करके यहाँ से दूसरी जगह चला गया है। और हम लोग बार बार आवेदन हर जगह देने पर भी काम नहीं हुआ इस साल, तो इसलिए हम लोग सोचे ग्रामीण सब मिल करके अपना गांव बचाने के लिए हम लोग अपना हाथ से बम्बू पालिंग करवा रहे हैं। रेतवा नदी के कटाव से गांव को खतरे में देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने ये बीड़ा उठाया और गांव सहित खेत को बचाने के लिए श्रमदान कर कार्य शुरू करवाया। वर्षों से ही ग्रामीण गांव और अपनी खेतीबाड़ी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकारी उदासीनता से इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। पूरे गांव से चंदा लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं, हम काम कराने के लिए, किसी तरह गांव बच जाए कम से कम। परिवारों को मुआवजा मिला है क्या, कुछ सरकारी रास्ता मिली है? 7-8 घर कट करके यहां से दूसरी जगह चला गया है और अभी तक वो लोग को मुआवजा तक नहीं मिला है वो परिवार को। ग्रामीणों ने बताया कि रेतवा नदी के कटाव की वजह से हम लोगों को भारी क्षति हुई है। कई एकड़ खेत नदी में विलीन हो चुके हैं और कई परिवारों का आशियाना नदी में कटकर समा गया है। नदी कटाव को लेकर ढपटोला के लोगों ने प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से कटाव रोधी कार्य कराने की गुहार लगाई थी, लेकिन कार्य नहीं होने से मजबूर लोगों ने पूरे गांव में श्रमदान कर बम्बू पायलिंग का काम शुरू करवा दिया, जिससे गांव को नदी में कटने से बचाया जा सके। इस घर कट चुका है और इस बार कटने वाला है। MLA MP सब किसी को कॉल कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ तक हम लोग प्रखंडे में कागज भी दे चुके हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे। यहाँ नदी गाँव पर यहाँ स्कूल भी है, मस्जिद भी है, यहाँ रोड भी कटिंग होने वाला है। अगर रोड कट जाएगा तो हम लोग कैसे निकलेंगे। कितने परिवार रहते हैं इस गांव में? लगभग 90 से 100 तक अभी है, 100 परिवार रहते हैं। तो अभी जो काम हो रहा है ये कैसे कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से? हम लोग अपना चंदा लेकर के तब काम कर रहे हैं गाँव वाले से। बम्बू पायलिंग का काम चंदा करके कर रहे हैं जी। तो क्या चाहते हैं, क्या मांग करेंगे? हम लोग सरकार से यही आवेदन चाहते हैं कि हम लोग को यहाँ रुकावट हो, जैसे ये इसका पिलर का हो और ये पत्थर हो, या कोई अच्छा सा काम हो कि जो गांव बचे। सर ये हो रहा है कि नदी जो कर रहा है आज लगभग कम से कम 15 साल से नदी कर रहा है। बहुत आदमी कम से कम तो 50 घर यहाँ से कट गया, एक दूसरा गांव बन गया। अभी जो हम लोग अभी 80 घर या 90 घर हैं, हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कीजिएगा, सरकार नहीं देगा, नहीं कीजिएगा तो हम लोग कैसे बच सकते हैं। ऐसे बम्बू पालिंग तो होता है लेकिन कोई असर नहीं करता है। हम चाहते हैं कि उसमें पोल हो, पोल होता तो गांव बच जाता। अभी जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वो तो अभी जो काम हो रहा है तो अपना ये से चंदा देकर के तब काम हो रहा है अभी। अच्छा, ये जो आप लोग कर रहे हैं ये चंदा देकर के कर रहे हैं? हाँ, चंदा देकर के कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ मदद करे तो हम लोग, अगर मदद करता तो हम लोग बच जाते, सरकार मदद करता तो। अब इस गांव में खाली हम ही लोग नहीं हैं, स्कूल भी है, आंगनबाड़ी भी है, हर चीज है यहाँ। अगर गांव में मस्जिद भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ अगर व्यवस्था नहीं होता है तो गांव कट जाने पर हम लोग कहाँ रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अमीजुद्दीन।